90s के दशक में टीवी पर एक मजेदार शो आता था जिसमें मेरे दो फेवरेट और बेहतरीन एक्टर पंकज कपूर और सतीश कौशिक जी दो सरदारों का रोल प्ले करते थे, टीटू सिंह और टोनी सिंह। इनफैक्ट हाल ही में सतीश कौशिक जी की अनटाइमली डेथ भी हो गई, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। दोनों सरदारों में सपोजिटली एक सीनियर था और एक जूनियर। जब भी उनमें किसी बात पर डिसएग्रीमेंट होता था तो टीटू सिंह का एक बड़ा पॉपुलर डायलॉग था, वड्डा कौन? टोनी सिंह ने कहना था, पाजी तुसी। टीटू सिंह ने पूछना था, ते समझदार कौन? टोनी सिंह ने कहना था, पाजी तुसी। तो बात खत्म, बड़े से बड़ा विवाद दो शब्दों में खत्म हो जाता था। दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन में एक बड़ी फेमस स्वीट शॉप है, पिछले 20-25 सालों से तो मैं ही देख रहा हूँ। जितनी बार भी उधर जाना हुआ उनके सामान में कभी 19-20 होते नहीं देखा, हमेशा वही लाजवाब टेस्ट। इस बार अपने एक क्लाइंट के साथ कहीं जा रहा था, रास्ते में कुछ खाने के लिए हम लोग वहाँ रुके। वेटर को अपनी पसंद का ऑर्डर देकर हम लोग मज़े से गप्पे मार रहे थे, तभी एक लेडी वहाँ दंदनाते हुए घुसी और तेज तेज आवाज में बोलने लगी, मैं थोड़ी देर पहले आपके यहाँ से छोले कुलचे लेकर गई। मैंने क्लियरली बोला था, छोलों में मिर्चें कम रखना। इतनी मिर्चें झोंक दी, मेरे बच्चों का मुंह जल गया। शॉप के ओनर ने तुरंत बात संभालते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन जी, मैं दूसरे दिलवा देता हूँ। आपकी गाड़ी में वो कुलचे रखे होंगे, वो भी ला दीजिए, मैं दोबारा से गर्म करवा देता हूँ। अब वो लेडी थोड़ा सकुचाते हुए बोली, वो तो मेरे बच्चों ने खा लिए। मेरे क्लाइंट मुस्कुराते हुए मेरे से कहने लगे, देखा संदीप जी, बिजनेस में इसी तरह के पेशेंस और सूझबूझ की ज़रूरत होती है। और मैं मन ही मन सोच रहा था कि सारा खा लेने के बाद समझ आया कि खाने में मिर्चें ज़्यादा थी। कुछ 14-15 साल पहले जब मैं नोएडा शिफ्ट हुआ था, किसी के रेफरेंस से एक ऑफिस इंटीरियर का काम मिला था। उस समय इतना बड़ा एरिया पहली बार हैंडल करने को मिला था, लगभग 50,000 स्क्वायर फिट। इस साइज़ के प्रोजेक्ट में डिज़ाइनिंग के अलावा जो चैलेंज था वो था मल्टीपल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन और तालमेल। मॉड्यूलर फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल, नेटवर्किंग, एसी, सिक्योरिटी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऐसे दर्जनों लोगों को साथ लेकर चलना होता था। उस समय शायद कुछ उतना अच्छे से पता भी नहीं था कि हमारे स्कोप में क्या काम होना चाहिए और क्या नहीं। कुछ इतने बड़े प्रोजेक्ट को टैकल करने का उल्लास ही अलग था, बहुत सारी बातें अनदेखी करनी पड़ रही थी। इतना सीखने को जो मिल रहा था। क्लाइंट ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भी दे रखा था जिनका फ़ोन नंबर सही पूछो तो वन वे था, मतलब कोई काम जाना है, कोई डेडलाइन है या कोई पेंडेंसी है तो उनका फ़ोन बड़ा प्रॉम्प्टली आता था। बाकी उनकी तरफ के डिसीजंस हो, मटेरियल प्रोक्योरमेंट हो, वेंडर्स की या हमारी कोई रिक्वायरमेंट हो, तो आजकल में हफ्तों निकल जाते थे। और ज़रूरी नहीं उनका फ़ोन उठे ना उठे, कितनी बार टोका भी पर कोई असर नहीं। इसको लेकर एक बार क्लाइंट से फ़ोन पर लंबी बात हुई, आप अपनी ड्यूटीज़ टाइम से पूरी नहीं करोगे तो फिर बाकी लोग अपना काम टाइम से कैसे पूरा करें? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फ़ोन के दूसरी तरफ से तेज़ आवाज़ आई, संदीप जी, क्लाइंट कौन है? मैंने कहा, बट ऑब्वियस आप। उन्होंने कहा, बात ख़त्म। फर्स्ट टाइम अपनी फर्म का बैंक अकाउंट खुलवाने मैं पड़ोस के एक बैंक में गया। उन दिनों बैंक अकाउंट इतनी आसानी से नहीं खुलते थे, दुनिया जहान का पेपर वर्क और किसी का रेफरेंस भी लाओ, उसके बाद भी पता नहीं क्या कमी निकाल बैठे। बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने जो डॉक्यूमेंट्स की मांग रखी, शायद उसमें एक आध चीज़ कम रही होगी मेरे पास, उन्होंने अकाउंट खोलने के लिए मना कर दिया। और क्या कहा था ये तो याद नहीं, पर मैं अच्छा खासा तैश में आ गया था। तेज तेज आवाज में बोलने लगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? आफ्टर ऑल आई एम अ कस्टमर। मेरी तेज़ आवाज़ बगल के कमरे में बैठे मैनेजर के कानों में पहुँची। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और पूछा, क्या समस्या है? मैं और जोश में आ गया, अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ती हुई लगी। मैंने कहा, आप लोग कस्टमर से इस तरह से सवाल जवाब करते हैं, ये भी कोई तरीका हुआ भला? मैनेजर साहब ने सरलता से जवाब दिया, मिस्टर जैन, आप अभी मेरे कस्टमर हैं नहीं, बन सकते हैं, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, आप पहले उन्हें पूरा करें। आई वॉज स्पीचलेस। यूट्यूब पर एक पोल डाला,
आपका अपने क्लाइंट या कस्टमर के साथ कोई डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट हो तो उस सिचुएशन को आप कैसे डील करते हैं। ज़्यादातर लोगों का कहना है हम उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी लोग एडजस्ट करने में बिलीव करते हैं और सिर्फ 8% लोगों का सोचना है कि ऐसी सिचुएशन में आपकी टर्म्स एंड कंडीशन का क्लियर होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखा जाए तो इसके रीजंस भी क्लियर ही हैं, जहां बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस तो फिर भी अपनी बिजनेस टर्म्स स्ट्रॉन्ग कर लेती हैं या अच्छी खासी मैन पावर होती है उनके पास किसी भी तरह के डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए। वहीं छोटा व्यापारी या सर्विस प्रोवाइडर हर सिचुएशन में एडजस्ट करने में या कस्टमर को कन्विंस करने में ही बिलीव करता है। पहला रीज़न तो यही है कि बहुत सारे सिचुएशन में तो सही और गलत के बीच में एक बड़ी थिन बारीक लाइन होती है, ये फैसला कर पाना ही मुश्किल है कि कौन सही है और कौन गलत। और अगर आप अपने काम में फ्रेशर हैं या बिगनर हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यही मानकर चला जाएगा कि आपके काम में, प्रोडक्ट में या व्यवहार में कोई कमी रही होगी, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करके चलने में ही भलाई है। दूसरा रीज़न ऑब्वियसली मार्केट का कंपटीशन, जिसके जितने ज़्यादा खर्चे उसे उतना ही रेगुलर बिजनेस वॉल्यूम की ज़रूरत भी है, इसलिए छोटी मोटी सिचुएशंस में थोड़ा झुक जाने में या थोड़ा बहुत नुकसान सहने के लिए ज़्यादातर बिजनेसेस मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। तीसरा, सदियों से चला आ रहा दस्तूर कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, कस्टमर इज़ किंग, ग्राहक तो भगवान के समान है या फिर भगवान ही है। ज़्यादातर गवर्नमेंट बॉडीज़ और संस्थाएं भी कंज्यूमर कस्टमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में सजग हैं, यहाँ तक कि एम्प्लॉयज़ के अधिकारों का कोई हनन ना करे उसके लिए भी कानून है। पर स्मॉल बिजनेसेस के हितों का ध्यान रखने के लिए मैंने तो हाल फिलहाल में किसी संस्था के बारे में सुना नहीं है। और आजकल तो रिव्यू और रेटिंग्स का ज़माना है, अच्छे रिव्यूज़ जहाँ मांगने पर भी नहीं मिलते, लोगों को नेगेटिव रिव्यूज़ डालने में एक मिनट भी नहीं लगता, भले ही वो आपके कस्टमर रहे हों या नहीं रहे हों, उनकी बात सही हो या गलत। क्या छोटा बिजनेस, क्या बड़ा बिजनेस, हर कोई पब्लिक एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए हाथ जोड़कर बच निकलने में ही अपनी भलाई समझता है। मेरी बातों से ग्राउंड रियलिटी में कितना फ़र्क पड़ेगा ये कहना तो मुश्किल है, फिर भी छोटे बिजनेस ओनर से, ख़ास तौर पर मेरी इंडस्ट्री में काम कर रहे आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स या वेंडर्स जिन्होंने अभी अभी अपना बिजनेस शुरू किया है, उनसे तो यही कहना चाहूँगा कि अपनी बिजनेस टर्म्स, स्कोप ऑफ वर्क, क्या कर सकते हैं क्या नहीं, अपने क्लाइंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर कर चलें। आपकी टर्म्स एंड कंडीशन में जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी, कस्टमर के साथ डिस्प्यूट अराइज होने की संभावना भी उतनी ही कम होगी। अगर आप शुरू शुरू में काम लेते वक्त अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बता पा रहे हैं तो ग्रेजुअली अपने अगले कामों में ऐड करें, क्योंकि इन द लॉन्गर रन जब आप ग्रो करना चाहोगे तो अनलिमिटेड या अनडिफाइंड सर्विसेज प्रोवाइड करना आपके और आपकी टीम के लिए बड़ा हरेसिंग होगा। एट द एंड अगर आपका अपने काम में जील उल्लास नहीं होगा तो उसे ग्रो करके भी क्या ही करोगे। वैसे तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है, जितनी ज़रूरत बिजनेस ओनर को कस्टमर या क्लाइंट्स की है, अक्सर उतनी ही ज़रूरत कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट या सर्विस की भी है। फिर भी अगर हम किसी सिचुएशन में क्लाइंट या कस्टमर की कुर्सी पर हैं और सामने वाला मार्केट नॉर्म्स को मानते हुए हमें भगवान का दर्जा दे रहा है तो हमें भी उनकी ज़रूरत और प्रायोरिटीज़ को समझना चाहिए। बड़ा कौन के बजाय अगर इस बात पर ध्यान करें कि सही कौन, तो शायद बिजनेस वर्ल्ड सबके लिए एक बेहतर जगह होगी, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि आज हम टेबल के इस तरफ हैं तो कल दूसरी तरफ। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूँगा कुछ और मज़ेदार बातों के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरी ये बातें, ये वीडियो किसी के काम की हो तो उनके साथ शेयर जरूर करिए। शुभकामनाएं।